नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुना में जुदा अंदाज नजर आया। उन्होंने यहां मंच पर आदिवासियों के साथ पारंपरिक नृत्य किया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों का इतिहास गौरवशाली रहा है। भाजपा सरकार आदिवासी समाज के विकास के लिए संकल्पित है। शुक्रवार को सिंधिया सिमरोद में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार का आदिवासियों पर फोकस है। आदिवासियों के साथ हो रहे उत्पीड़न के मामलों को सरकार गंभीरता से ले रही है। हाल ही में सीधी में पेशाब कांड और शिवपुरी में गंदगी खिलाने की घटना पर भी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह समेत भाजपा के तमाम नेता आदिवासियों के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। शुक्रवार को गुना के सिमरोद गांव में आदिवासी सम्मेलन आयोजित किया गया। केंद्रीय नागर विमानन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने आदिवासियों के इतिहास को भारत का गौरवशाली इतिहास बताया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के विकास, उनकी प्रगति और राष्ट्र के योगदान में आगे लाकर कार्य करने का संकल्प लेकर भाजपा कार्यकर्ता संकल्पित है। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। कांग्रेस ने 60 साल में आदिवासियों की सूद नहीं ली, उनका केवल शोषण हुआ। आज आदिवासी को उभारने का काम केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।